हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर लोगी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बहुत ही खास लक्षण की जानकारी आपको देंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली सभी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, हम बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करते हैं, ना ही ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। हमारे लिए बेटा और बेटी दोनों ही एक समान है, और कौन ये चाहेगा कि अपनी संतान में कोई भेदभाव करे। माता पिता के लिए तो दोनों ही संतान बराबर होती हैं, इसलिए उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी भगवान देता है उसको सह दिल से स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं, जो हम लक्षण आपको आज बताने वाले हैं बहुत ही खास लक्षण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इसको स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा और आप उसको मिस कर दोगे। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस लक्षण के बारे में। और एक आपको बता दें कि ये जो लक्षण है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि गांव में हमारी जो बुज़ुर्ग दादी माँ हैं उनको जैसे हम बताते हैं, हम इस तरह की वीडियो डालते हैं, तो वो हमें नए नए लक्षण बताती हैं, नए नए अनुभव अपना बताती हैं, तो वही आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो जान लेते हैं पहले लक्षण के बारे में। लेकिन वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों, होता क्या है गाइस, जब भी आप माँ बनती है ना, आपके मन में एक उत्सुकता होती है, एक जिज्ञासा होती है जानने की हमारी आने वाली संतान क्या है, बेटा है बेटी है। क्वेरीज चलती रहती है, ये हर मॉम के अंदर रहती है जब भी वो प्रेग्नेंट होती है। दोस्तों, मेरे साथ भी था, लेकिन आपके इस जिज्ञासा के तौर पर ही इस वीडियो को देखें, और आपको इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा के तौर पर ही देखना है। इसको बिल्कुल भी 100% श्योर ना हो, 100% कोई भी लक्षण सही नहीं होता है। जान लेते हैं उस लक्षण के बारे में। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर जो निखार था पहले, जो है जैसे आपके बेबी गर्ल हुई होगी तो आपको निखार जरूर होगा, या साफ सुथरा था आपका चेहरा, अगर आपका चेहरा एकदम मुरझाने लगा है, काला पड़ने लगा है, झाइयाँ होने लगी हैं, पलक जो होते हैं आपके उनके बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं, या आपकी आंखें पीली पड़ने लगी हैं, दोस्तों ये इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये अगर आपको हो रही हैं अपने चेहरे पर, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का ही होगा। लड़के के टाइम पर क्या होता है कि जो ग्लो होती है वो छिन जाती है, डार्कनेस आने लगती है, आँखें पीली पड़ने लगती हैं, पिम्पल्स निकलने लग जाते हैं, और आपके फोरहेड पर हल्के हल्के बाल आने लगते हैं। अगर ये लक्षण आपके साथ है तो आप समझ सकते हैं आपकी आने वाली संतान एक लड़का ही है। दूसरे लक्षण की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती, आप नींद लेना पसंद नहीं करती हैं और काम करना पसंद करती हैं, काम में आप उत्सुक रहती हैं और आपकी काम में ज़्यादा रुचि लगती है, ज़्यादा मन लगता है, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है आपकी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का ही पैदा होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।